ये मेरा आपको पैगाम है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल भाई ने ज्वाइन हेलो किया, काफी देर से साथ थे। जी अफजल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी। अब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, पहले भी मैं भी मुस्लिम, अभी भी इस्माइली हूँ, लेकिन मुझे भी कन्वर्ट होना है इस्लाम में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फैमिली प्रेशर्स ना वो सब है, उसी लिए। तो आप मुझे मौलाना पता है कासिम से कि बात कीजिए, मौलाना कासिम से बात कीजिए, उसके लिए आपको वो गाइड करेंगे। जी मौलाना कासिम। माशाल्लाह, हम देखिए ला इकराह फिद्दीन इस्लाम में लाने के लिए जबरदस्ती किसी पर नहीं है, लेकिन नहीं नहीं इस्लाम में नहीं आपकी हाँ बात फॉलो करना होता है। वो आप अपनी तसल्ली करें, खूब तसल्ली करें, आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, मैं कहता हूँ यही काफी है। हमने कुरान पढ़ के सब इस तरफ आए। हाँ जो वो तो मेरे पास भी कुरान है, वो कुरान.com है ना, वो वेबसाइट भी मैंने डाउनलोड कर ली है, मुझे इंग्लिश भी आता है, तो मैं उससे ही सब वो हाँ कर जी रहा जी हूँ। लेकिन आप ऐसा करें ना, लेकिन जो आयतें जमात खाने में पढ़ी जाती है, हाँ उनका खुसूसन 2, 4, 5, 6, 8, 10 तफसीरों से आप उनको हाँ देखें, क्या वो जो तर्जुमा करते हैं वही है, या जो हम क्या हम नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है उम्मत को वो ठीक है, या जो ये इंटरप्रिटेशन करते हैं ये ठीक है। इनको गौर से पढ़ें नो नो पूरी आयतों को ना, ये नो नो आगे एंड तक शुरू से, ये क्या अगर किसी इस्माइली ने तर्जुमा किया कुरान का उसको भी देखे, वो भी जो है ना तर्जुमा करते वक्त इतने तहरीफ नहीं कर सकते कुरान में, किया तो उसे पकड़ा जाएगा, वो कोर्ट में लाना पड़ेगा उसको, वो जी भी मौलाना कुरान के कासिम, समय। ये जो हमारे भाई है ना, इन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसला कर लिया है कि इन्होंने कलमा पढ़ना है। सिर्फ फैमिली प्रेशर का क्या करेंगे, उसके लिए टाइम मांग रहे हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। हाँ तो क्या नहीं इस देखिए, हालात में, जी उसके लिए ना ऐसी हालत हो तो उस पर जबान से पढ़ के कत्ल का, नुकसान का, जान का अंदेशा हो, दिल से मानना ही इस्लाम है, ईमान है। हाँ वो तो मैंने मान लिया। मैंने अभी आधा कुरान तो रीड भी कर लिया है, मैंने जाकिर नायक की जो स्पीचेस है वो सब भी मैंने देख लिए हैं, फिर वो मुफ्ती मैंक है उसके भी वो रेगुलर में वीडियोस देखता हूँ। लेकिन मुझे तो पता है कि मैं अभी इस्लाम में फॉलो ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 5 टाइम की नमाज, पांच टाइम नमाज ही नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी सब तो मुझे बाकी शॉर्ट दुआज ना वो सब तो मैंने मेमोराइज कर लिया। मैं रोज उसका क्या बोलते हैं वो रेसिटेशन कर ही रहा हूँ मैं अभी। जी लेकिन मैं अफजल भाई, अभी आपने मुझे कलमा भी पढ़ा है, कलमा शहादत पढ़ लिया मेरे भाई आपने? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सब पढ़ने का बाकी है। बाकी है तो मौलाना कासिम ने पहले भी कई दफा सबको ये बताया कि अभी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप दिल में पहले इस्लाम कबूल कर लें, ये ना हो मेरे भाई कि रात को हम, मुझे नहीं पता मैं रात को सोऊंगी सुबह उठूंगी या नहीं उठूंगी। तो आप पहले शिर्क से तौबा कर लें, ईमान ले आए, वो तो किसी को मैंने कर बताने की हाँ जरूरत नहीं है। वो जी तो मैंने कर लिया है दिल से। फिर मतलब मैंने इनसाइड कलिमा भी पढ़ लिया है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो बस बस फिर आपको आपको फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आप ना ये ना बोले ना कि मैं नहीं किया है, इस्माइली आपने हूँ, किया है, आप आपको वेलकम ये करें। ना मैं बोले अभी कि आप इस्माइली हैं। नहीं, मैं अभी आप मैं नहीं नहीं मैं प्रॉपर जी सब, अभी मुझे कोई भी पूछ रहा है ना, मैं 2 साल से मेरा ये सब क्वेश्चन था कि भाई दसवन में दे रहा हूँ तो कहाँ पे जा रहे। मतलब अभी ये भी एक पॉइंट है मैम कि अगर हम दसवन दे रहे हैं, कोई मेरा एक दोस्त था, 6,000 रुपये उसकी मंथली सैलरी थी, तो उसमें से भी वो दसवन निकाल रहा था। मतलब ठीक देखो बिल्कुल, ऐसा छह जुल्म हजार हो रहा है है भाई ना, मतलब। हालांकि इस्लाम है ना, इस्लाम पे इनकम पे नहीं है, आपके साल भर बच्चों पे, बीवी पे, जरूरियात अखराजात हो के बचता है पैसे, बहुत बच गए पूरे साल में, उसमें सिर्फ 2.5% अल्लाह के नाम पर गरीब मिस्कीन फकीरों को मालिक बना के देना, यह है। अगर आपके पास नहीं बचता है तो जकात है नहीं, बल्कि वो जकात ले सकता है। माशाल्लाह, अच्छा, तो तो लेकिन सबसे यहाँ पे अच्छी बात देने ये कि जी अफजल भाई, आप हमारे साथ कांटेक्ट में आइए, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके लिए आप सब, आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस्माइली नहीं है, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, बस थोड़ी इबादत का अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और वो भी किसी वजह से है। इबादत का ये है ना कि मानने का नाम ईमान है, मानने का। अब प्रैक्टिकली कितने मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं,
नमाज न पढ़ने से इंसान इस्लाम से बाहर नहीं होता है, मानने से मुसलमान होता है। बाकी कमी बेशी अमल में कोताही वो होता है, लेकिन उसको बंदा कजा भी कर सकता है, हुकूक को बाकी चीज़ों को। अल्लाह तबारक व ताला गफूर रहीम है। इस्लाम के बारे में हदीस में आता है कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम से पहले जितने भी इंसान से खता गुनाह हुए इस्लाम कबूल करने से वो सब अल्लाह मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। और अल हिजरतु, हिजरत करना, हिजरत से भी अल्लाह तबारक व ताला तमाम गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह गफूर रहीम ज़ात है, बड़े करीम ज़ात है, वो इंसान पूरी दुनिया को गुनाहों से मुझे पता है वो अल्लाह के 99 नेम है ना, वो भी उसमें ये सब है कि अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड अल्लाह तमाम गुनाहों को मिटा देता है। यहाँ तक के इंसान गुनाह करके पूरे स्पेस को भर के आसमान तक पहुंचा दे सब इंसान मिलके, अल्लाह एक जो है ना करम के नजर से उन सब गुनाहों को याफिर जुनूब जमिया तमाम को माफ कर देता है। अच्छा, इस्माइली हेरिटेज कह रहे हैं कि अफजल भाई को तकिया क्यों करना चाहिए, ये सवाल आप अपने इमाम से कीजिए कि वो आपको तकिया करने का क्यों कहते थे, वो भी रमजान के महीने में। अच्छा, हमारी बहन सारा खान ने भी कहा है कि हमारे भाई अफजल भाई जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस्माइलिज्म दिल से तो छोड़ चुके हैं लेकिन किसी वजह से, सोशल प्रेशर्स की वजह से उनको कुछ सपोर्ट की जरूरत है, तो उनके लिए हम ये कहेंगे कि आप हमारे तरह इस्माइलिज्म को छोड़ के अल्लाह के हुक्म पर इस्लाम में आ चुके हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। इंशाल्लाह आपको जो भी गाइडेंस मौलाना कासिम इंशाल्लाह सब देंगे, हमारे कई भाइयों को मौलाना कासिम ने नमाज तक सिखाई है ऑनलाइन, तो आप लोग सीख भी सकते हैं, कुरान भी मौलाना कासिम पढ़ाते हैं, और उसके अलावा तफसीर, कोई भी सवाल या अभी भी आपको कोई शक और शुबात मौजूद है इस्लाम के हवाले से, तो जरूर अपने क्वेश्चन बिना किसी झिझक के हमारे पास लेके आइए और फौरन से फैसला कीजिए कि आपने इस्लाम कबूल करना है या आपने कुफर में रहना है। जिंदगी बहुत छोटी है, मौलाना कासिम जैसे कहते हैं जब तक सांस है तब तक चांस है, मैंने इनसे कॉपी किया। मौलाना कासिम बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, इनशाला आगे भी हम एक साथ ही रहेंगे। बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली आज के प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सैटरडे तक हमें इजाजत दीजिए और ज्यादा मत जी। अफजल भाई कुछ कहना चाह रहे? हाँ, जो मैं अभी भी मैंने ना अभी मेरे दोस्त को मैंने ये सब बताया कि भाई कि वी आर इन द रोंग ट्रैक, मतलब कि हम गलत जगह पे वर्शिप कर रहे हैं ना वो सब, तो उन लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह है ना जो अल्लाह अल्लाह सुबहाना उतारा हजर इमाम को हिदायत देते हैं कि जो जो कुछ भी वो होता है ना वो अल्लाह को हिदायत देते है। कौन? हजर अल्लाह, अल्लाह हजर इमाम को हिदायत देते है। अच्छा, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये पूरा स्टार्टिंग में प्रोग्राम इसी बात पे हुआ कि अगर हाजिर इमाम को हिदायत देते हैं तो हाजिर इमाम खुद हिदायत पे क्यों नहीं है? क्या आपने कभी हाजिर इमाम को जमात खाने में दुआ पढ़ते देखा है या उनको पांच वक्त नमाज पढ़ते? वो तो जमात खाने के टाइम रहता है ना, जमात खाने के टाइम पे दीदार रहते हैं ना, तो भी वो फटाफट से निकल जाते हैं वहां से। बिल्कुल, आपने कभी उनको हज करते नहीं देखा? आपने कभी उनको नमाज रोजे की बारे में इम्पोर्टेंस के बारे में ना करते देखा है ना बताते देखा है? सब चीजें खत्म कर दी, तो अगर हिदायत है तो हिदायत उन पर वो खुद क्यों नहीं है? ये सारे सवाल है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, असल में 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया, मजीद बात कर सकते थे। हमारे भाई जुनेद कहते हैं कि हमारे भाई अफजल जो है वो कलमा पढ़ ले, वो कह रहे मैंने दिल में कलमा पढ़ चुके हैं, अब अफजल भाई पर है कि वो अभी लाइव में कलमा पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे मौलाना कासिम हमारे अफजल भाई को कलमा पढ़ा सकते हैं। अफजल भाई क्या कहेंगे, हम सब कलमा पढ़ ले दोबारा? आप चलिए पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। मौलाना कासिम बिस्मिल्लाह कीजिए जी। पहला कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु वहदहु ला शरीक लहू, ला शरीक लहू, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन, मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है और तन्हा है,
वो अकेला है और तन्हा है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, उसके साथ कोई शरीक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे, अल्लाह अल्लाह के रसूल और बंदे है। जज़ाकुम अल्लाहु खैरा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन इस्लाम और ईमान पर सलामती के साथ रखे, मरते वक़्त हम सबको तकलमा तय्यबा नसीब करे, और कबर अजाब हशर नशर के अजाब से हम सबको महफूज फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में हम सबको दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इकट्ठा। आमीन सुभान अमीन। अफजल भाई आपके इस कलमे से हो सकता है कि जो लोग सोच रहे थे वो आज कलमा पढ़ चुके हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का, हमें इंस्पिरेशन देने का, हमारी सपोर्ट करने का और हमारे लिए एक एक यादगार मोमेंट छोड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब पर अल्लाह ताला की रहमतें हों। अगले हफ्ते फिर एक अलग टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। जी जी अफजल भाई, जो नेक्स्ट सैटरडे को मतलब आपका प्रोग्राम रहेगा ना, उसमें ना जो वो फरमान जो बैंड किए बैंड कर दिए थे ना सुल्तान मोहम्मद शाह के, जी हाँ उस पे ना सलामे इमामे टॉपिक, मुबीन, हाँ उसके ऊपर टॉपिक कीजिए क्योंकि उसमें ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। जी बिल्कुल, कलामे इमामे मुबीन की आप बात करें, जरूर इंशाल्लाह। आप लोग सजेशंस देते रहिए, आपकी आपके ही सजेशन से हम अगले प्रोग्राम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ज्यादा चाहते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो पर आप आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा क्या किसी एक का भी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप हमारे चैनल हर चीज है। मैं आपको इसी वॉट जहां पर अभी आप आए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां से कॉन्टेक्ट कीजिए और या फिर आप अपना नंबर यहां पे अभी कॉमेंट्स में लीव कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वेट अ मिनट, कॉमेंट में लीव कर रहा हूँ मैं। ओके कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका हमारे साथ जुड़ना। दीजिए अपना नंबर, मैं भी कमेंट में लीव कर देती हूँ। हमारे अफजल भाई की तरह कोई अगर ख्यालात में है, किसी तरह के वहम में था या है, तो वो आकर हमसे सवाल कर सकता है। मैंने कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए और रब्ता कीजिए। मौलाना कासिम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। जी अफजल भाई, ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।